शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 अप्रैल को जहां किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, वहीं आज काफी तादाद में भाजपा के उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। शिमला शहरी के अलावा ग्रामीण और कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए पहुंचे। सोमवार को कच्ची घाटी से अलका कंवर, निशा ठाकुर न्यू शिमला, भारती सूद लोअर बाजार, शैली ठाकुर समरहिल, मदन शर्मा, सपना कश्यप अन्नाडेल, सरोज ठाकुर रुल्दू भट्टा सहित अन्य उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंचे और जीत का दावा किया। उम्मीदवारों के साथ पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, चौपाल के विधायक बिट्टू वर्मा, करसोग के विधायक दीपराज भी मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला नगर निगम चुनाव जीतने का दावा किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला नगर निगम चुनाव जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने शिमला शहर में काफी विकास कार्य किए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में ओवरब्रिज बनाने के साथ नालों का चैनलाइज करने और नई दुकानें बनाने के साथ ही शिमला शहर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए कोल डैम से पानी की परियोजना का काम शुरू किया गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1500 देने का दावा किया था, लेकिन महिलाओं को 1500 नहीं मिल रहे और अब इन चुनावों में महिलाएं ही कांग्रेस से सवाल करें कि ये 1500 क्यों नहीं दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर शिमला शहर में फर्जी बोर्ड बनाने के आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम बनाएगी, महापौर उप महापौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ये दिखाया है। शिमला शहर में इससे पहले जो है JNNRM में आया था, जो UPA सरकार का फ्लैगशिप जो है प्रोग्राम था, उसमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए 63 नगरों में से एक था, लेकिन एक पैसे का काम उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो शिमला में उस समय की कांग्रेस की कॉरपोरेशन और सरकार नहीं कर पाई थी। कौल सिंह जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते थे या उसके बाद जो है सुधीर शर्मा जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शिमला को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने शिमला को इग्नोर करके धर्मशाला को जो है वो पहले स्मार्ट सिटी जो है घोषित किया, जबकि नंबरों के हिसाब से जो है वो शिमला ही उस वक्त जो है बननी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमृत मिशन हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू को दिया, जिसके अंतर्गत जो है वो अनेकों काम जो है शिमला में हुए। आज भी आप देख रहे हैं ओवर ब्रिजेज इत्यादि जितने नाले हैं सारे चैनलाइज हुए हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केंद्र से पूरा पैसा जो है 500 करोड़ यहाँ के लिए मिलेगा। बोट इकट्ठे करके यहाँ बोट बना दिए थोक में, और इन्होंने जो है वो साथ ही साथ जो कानून बदला और आपने जो है वो रोस्टर जो है वो उसका सिस्टम बदल दिया, ये तो संविधान की अवहेलना है। आप महिलाएं जो जनरल से लड़ेंगी उनके लिए लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन देखी जाएगी, और जो SC वर्ग से देखे लड़ेंगी उनके लिए हाईएस्ट होगा। ऐसा कभी एक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है, दो सेट नहीं होते हैं। ये सारा जो है वो ये इलीगल काम इसलिए करें कि किसी तरह से हम इस चुनाव को जीत जाएं, क्योंकि ताजी सरकार बनी है तो उसमें जो है वो जीतना जरूरी है। अब चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, एक हमारे CPS हैं सुंदर ठाकुर जी, ऐसे ही अलका लांबा जी यहाँ पर जो है वो 3-4 महीने घूमती रही और जोर जोर से घोषणा करती थी, हम 1500 महिला को देंगे, 1500 महिला को देंगे। ये सारी हमने तो महिलाएं जो है खड़ी की हैं इस बार चुनाव में। ये पूछेंगे सारे कांग्रेस के लोगों से कि भाई वो 1500 दो, हमारे को भी हर एक को 1500 देना है ना। सांगटी से भाजपा उम्मीदवार कमल ठाकुर ने कहा कि वो काफी लंबे समय से चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटे थे और सांगटी की जनता उनके साथ है और इस बार फिर से भाजपा यहां से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार और नगर निगम में शिमला के सभी वार्डों में काफी विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई थी, महिलाओं को 1500 देने का वादा किया गया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी महिलाओं को राशि नहीं दी जा रही, जिसके चलते महिलाओं में भी काफी रोष है और इन चुनावों में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 24 सांगटी से लड़ रहा हूँ और हमारी तैयारी आज से नहीं है, हम काफ़ी समय से उस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। आज जहाँ तक बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन जिस तरह झूठ बोल करके सत्ता में आई, तो जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो उनका एकमात्र कहना है कि ऐसी झूठी सरकार हमने आज से पहले कभी भविष्य में नहीं देखी।
चाहे बात महिलाओं को 1500 देने की बात हो, तो सबसे ज़्यादा जो रिजाइनमेंट है वो महिलाओं के अंदर आ रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि हमसे 1500 का वादा किया, दिया कुछ नहीं। और जहां बिजली के रेट बढ़े और जहां पर जो है डीजल के दाम 3 रुपये सरकार ने आते ही बढ़ा दिए, तो लोगों में बहुत ज़्यादा रिजाइनमेंट है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले माकपा से भाजपा में शामिल हुई शैली ठाकुर को भाजपा ने समरहिल से चुनाव में उतारा है। भाजपा उम्मीदवार शैली ठाकुर का कहना है कि वो पहले भी इसी वार्ड से पार्षद रही हैं और 5 सालों में उन्होंने काफी विकास कार्य किए हैं और इस बार फिर से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और उम्मीद है कि समरहिल की जनता उन पर फिर से विश्वास जताएगी और वो फिर जीत कर नगर निगम में पहुंचेंगी। देखिए, मैं दूसरी बार अपना चुनाव लड़ने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं समरहिल की पार्षद रह चुकी हूँ और अब बहुत सारे काम हमने समरहिल में किए हैं और जो काम कुछ रह गए हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए और नए प्रोजेक्ट्स जो है समरहिल के लिए लाएंगे और उनको पूरा करेंगे। भाजपा से पहली बार लड़ रहे हैं, समरहिल की जनता तो वही है जिन्होंने मुझे पहले भी जिता के भेजा था और अब दूसरी बार मैं उनके पास जाऊँगी और पहले भी मैंने उन सबकी जो ज़रूरतें थी या उनकी डिमांड्स थी उनको पूरा करने की कोशिश की है। वोटर्स वही हैं, सिर्फ पार्टी बदली है। काम मैंने इस पार्टी में रह के भी वही करने हैं, पहले भी वही किए थे और मेरा लक्ष्य सिर्फ मूलभूत सुविधाएं जो समरहिल में चाहिए उनको पूरा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।